डाउन सेल आज स्टार्ट करने लगे हैं। डाउन सेल पास पेपर में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम बार लॉन्ग क्वेश्चन आया, और इसी टॉपिक में से दो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और ये मैक्सिमम बार लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। हम इसको थोड़ा सा बुक से चेंज करके लिखेंगे, तीन या चार हेडिंग्स बनाएंगे, हेडिंग्स बना के फिर इस टॉपिक को सारे का सारा लिखेंगे। चले डाउन सेल, असल में डाउन साइंटिस्ट का नेम था जिसने पहली दफा इस सेल को बनाया था, डाउन सेल। सबसे पहले हमने देखना है कि डाउन सेल का पर्पस क्या है, किस काम के लिए हम इसको यूज करते हैं। पहली हेडिंग आ जाएगी पर्पस, कि किस काम के लिए हम डाउन सेल को यूज करते हैं। इसका पर्पस जो है वो हम सोडियम मेटल की तैयारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज, इसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल को बनाने के लिए यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, सिर्फ उसी को आपने क्या काम करना है, डायग्राम समझनी है। अगर डायग्राम की आपको समझ आ जाती है, बाकी चीजें ज्यादा मुश्किल नहीं है, बाकी चीजें इजीली समझ आ जाएगी। डायग्राम में सबसे पहले आपके पास डायग्राम हेडिंग नेक्स्ट आ जाएगी, डायग्राम। डायग्राम में आपने सबसे पहले एक बात याद रखनी है कि एक टैंक है हमारे पास, यह अमूमन बनाता है लकड़ी का, ये बात याद रखनी है। यह टैंक किसी चीज का भी नहीं बनाता, क्या स्टील वगैरह का बना है, ये लकड़ी का अमूमन बनाते हैं। और यहां पे इसके वहत, यहां पे एक सुराख होता है। ये सुराख किस लिए होता है, इसको हम ये क्या हमारे पास टैंक, थोड़ा सा ऊपर करके लिख लें, यहां में ये हमारे पास टैंक है। अब होता क्या है कि बिल्कुल इस टैंक के सेंटर में यहां पे हमने एनोड लगा रखा होता है ग्रेफाइट का। किसका एनोड होगा, ये मेटल का नाम याद रखिएगा, क्या है हमारे पास, ग्रेफाइट। अच्छा, ग्रेफाइट कौन सी चीज होती है, कार्बन होता है, या फिर कार्बन भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कार्बन भी आप कह सकते हैं। ये हमारे पास किस काम के तौर पर यूज हो रहा है, एनोड। अच्छा, एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। बस इतनी बात आपने याद रखनी, ये बिल्कुल इस टैंक के सेंटर में लगा होगा, बिल्कुल सेंटर में, सही हो गया। अब इसके बाद सेकंड नंबर पे, इस एनोड के बिल्कुल इर्द गिर्द हम लोहे की एक जाली लगाते हैं, वायर गॉज भी कहते हैं, गॉज वर्ड यूज किया होगा, गॉज का मतलब है जाली, सही है। अब वो जाली हम बिल्कुल इस तरह लगाएंगे, बिल्कुल इसके इर्द गिर्द गोल सी होती है, यहां पे ये हमारे पास लोहे की बनी हुई जाली है, और ये पीछे की तरफ जाएगी, यहां से पीछे की तरफ, यानी इसके चारों तरफ लगी होती है, हम चारों तरफ दिखा नहीं सकते क्योंकि अगर दिखाएंगे तो ये एनोड यहां से छुप जाएगा, सही है। ये चारों तरफ लगी होती है, ये बात आपने याद रखनी है। और इसको ना हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा होता है, बैटरी के नेगेटिव, ये क्या आयरन कैथोड है, कैथोड क्यों कहा है मैंने इसको, क्योंकि इसको मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा हुआ है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा हुआ है। अभी तक तीन चीजें हमने पढ़ी हैं कि एक वुडन टैंक होता है, तो ये उस वुडन टैंक के बिल्कुल सेंटर में हमने ग्रेफाइट का एनोड यूज करते हैं, एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और बिल्कुल एनोड के इर्द गिर्द इस तरह एक जाली यूज की होती है, वो जाली पे हम बैटरी को, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जोड़ते हैं, इसी वजह से हमने उसको कैथोड का नाम दिया है। क्या नाम दिया है, कैथोड का। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज की प्रोटेक्शन के लिए, ये ग्लास की बनी हुई एक शीट सी लगाते हैं, या डोम लाइक शीट होती है, इस तरह कुछ, ये डोम लाइक क्यों कहते हैं, गुंबद नुमा इसका शक्ल होती है, ये इससे बाहर की तरफ जा रही होती है इस तरह, और ये ग्लास की बनी होती है। आपकी बुक में ना यहाँ पे वो डॉटेड लाइन दिखाई होगी, यहाँ पे इस तरह कुछ, आप वो डॉटेड लाइन बेशक जाहिर कर सकते हैं, नहीं करना चाहते ना करें, ये बिल्कुल नीचे नहीं लगी होती, थोड़े से नीचे से फासला होता है। अब इसका क्या मकसद होता है, ये डोम लाइक शेप, बस इसको नाम दे रहे हैं, ये क्या हमारे पास डोम लाइक शेप,
अब इसके बाद यहां पे एक ओपनिंग होती है, ये ओपनिंग किस लिए होती है, और यहां पे एक हमने टैंक लगा रखा होता है यहां पे, और यहां पे आके आपकी जमा होनी होती है सोडियम। सोडियम की ना एक प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है, वो कौन सी है, कि ये पानी के ऊपर तैरती और हल्की मेटल है, पानी के ऊपर तैरती और ये हल्की मेटल है। लिथियम दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा हल्की पाई जाने वाली मेटल है, और उसके बाद सोडियम है, और इतनी हल्की है कि पानी के ऊपर तैरती है, बस इतना ध्यान में रखिएगा भाई। ये हमारे पास टैंक है, इसको मैं सिर्फ उसे अभी नाम दे देता हूँ सोडियम टैंक। सोडियम टैंक क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके आपका सोडियम जमा होना शुरू हो जाता है। चले आप बाकी चीजें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना होता है, वर्किंग पे आते हैं। ये चीज की कंस्ट्रक्शन मेन मेन पार्ट आपने लिखने हैं, बाकी चीजें अगर कोई चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपने करना क्या होता है, यहां से NaCl मोल्टन NaCl डालना होता है, यहां से आपने NaCl डालना होता है NaCl। अब जैसे यहां पे आके NaCl डलेगा, यहां पे ऐसा ऐसा ये भरना शुरू हो जाएगा। और एक बात यूज अच्छे तरीके से आपने माइंड में रख लेनी है, यहां पे कौन सा NaCl यूज करना है, मोल्टन। अच्छा मोल्टन नहीं वर्ड यूज करना चाहते तो आप फ्यूज वर्ड भी यूज कर सकते हैं। कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं, फ्यूज। फ्यूज और मोल्टन में कोई फर्क नहीं है, क्या है हमारे पास, फ्यूज और मोल्टन NaCl। अच्छा मोल्टन और एक्वस NaCl में क्या फर्क है, ये दो होंगे मोल्टन NaCl और एक्वस NaCl। मोल्टन आपने सिर्फ मोल्टन पिघला के NaCl यानी सोडियम क्लोराइड नमक लेना है, उसको इतना गर्म करना है कि वो पिघल जाए, वो मोल्टन या फ्यूज होगा, और जो एक्वस होता है उसको आपने पानी के अंदर डाल के उसको हल कर लेना है, वो सोल्यूशन जो बनेगा उसको हम एक्वस NaCl कहते हैं। यहाँ पे आपने जो चीज लेनी होती है वो मोल्टन NaCl है, इसको आपने ध्यान में रखना है। अब होता क्या है कि जैसे हम इसको बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, इसको भी और इसको भी, अब आपको पता है कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। यानी ये जो जाली सी है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये जो एनोड है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जैसे मैं मोल्टन NaCl यूज करूंगा तो NaCl जो होगा वो इस चीज में चेंज हो जाएगा, Na प्लस में और Cl नेगेटिव में। और एक बात आपने याद रखनी है, हमेशा ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता है। अब यहाँ पे होगा क्या, मैंने देखा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इन दोनों आयन्स में से कौन सा आयन इसकी तरफ जाएगा, क्लोरीन इसकी तरफ जाएगा, और जैसे ही जाएगा ये क्लोरीन, दो क्लोरीन आपस में मिलेंगे और हमारे पास Cl2 बनेगा, और साथ में दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे, और यही Cl2 गैस यहाँ से बन के ऊपर की तरफ उठती है, और ये गैस ग्रीन कलर की होती है, ये बात याद रखिए, Cl2 गैस, ये गैस किस कलर की होगी, ग्रीन कलर की। अब आपको एमसीक्यू आ सकता है अगर आप मिलिट्री टेस्ट वगैरह की तैयारी करें, कि विच गैस या विच प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एट एनोड इन डाउन सेल, डाउन सेल में एनोड पर कौन सी चीज बनती है, क्लोरीन गैस। यह बात आपने ध्यान में रख लेनी है, वहां पे इस तरह ऑप्शन आएगा, सोडियम मेटल, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे कौन सा आंसर लगा, लेकिन याद रखिए यहाँ पे दो ही चीजें बननी है, या तो क्लोरीन गैस बननी है या फिर सोडियम मेटल बननी है, इन दो चीजों के अलावा यहाँ पे तीसरी कोई चीज नहीं बनेगी। डाउन सेल में, नेल्सन सेल में ऑक्सीजन गैस भी बनती है, हाइड्रोजन गैस भी बनती है, क्लोरीन गैस भी बनती है, वो नेक्स्ट हमने पढ़ना है, उसमें सारी चीजें बन रही होती है, लेकिन इस सेल में सिर्फ और सिर्फ दो चीजें ही बनती हैं, तो ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे तो आपको पता चल गया कि कौन सी गैस रिलीज हो रही है, एनोड पर क्लोरीन गैस, और ये क्लोरीन गैस जाया नहीं करते, इसको सिलेंडर वगैरह में भर लेते हैं और इसको एक्सपोर्ट करते हैं। ये कहाँ पे यूज हो रही होती है, ये जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, वहां पे उसको बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही होती है, और इसको भी पैसों से बेचते हैं, इसको भी पैसों से बेच रहे होते हैं। अब इसके बाद आ जाए, हमने मेन बात तो करनी है कि सोडियम मेटल इस तरीके से तैयार की जाती है, इस तरीके को इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, सोडियम मेटल की तैयारी के लिए। अब देखिए इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज,
नेगेटिव चार्ज इन दोनों में से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यह आपको पता है क्या है? इसके ऊपर नेगेटिव, ये जो जाली से हमने लगा रखी है चारों तरफ, ये क्या होगा? नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के बाद यहां से जाकर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्या मतलब? इसके पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। नेगेटिव चार्ज का ये मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये जाएगा इसके पास सोडियम इलेक्ट्रॉन्स लेगा, लेने के बाद किस में चेंज हो जाएगा? सोडियम मेटल में। और यही मेटल, आप जैसे यहां पे मेटल बनती है ना, ये होती है हल्की, थोड़ी देर पहले बताया ये मेटल हल्की होगी और ऊपर तैरना शुरू हो जाएगी, यहां पे तैरना शुरू हो जाएगी, और यहां से जैसे जैसे तैरना शुरू होगी यहां से ऐसा ऐसा निकल के यहां पे आना शुरू हो जाएगी, सही है? यहां पे हम इसको जमा करते हैं, जमा करने के बाद यहां से निकाल के इसको एक ही जगह पे स्टोर किया जाता है, वह है केरोसिन ऑयल, और कहीं पे भी इसको स्टोर नहीं करते। आप कहेंगे इसको निकाल के हवा में रख देंगे, फौरन हवा के साथ रिएक्ट करेगी, कोई और चीज बना देगी। फौरन निकालते हैं, निकालने के बाद मिट्टी के तेल में रख देते हैं मेटल को, फिर ये किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करती। ये था पूरा का पूरा तरीकाकार। अब इसको देखिएगा कि लिखना किस तरह है। अच्छा, हमने ये दरमियान में डोम लाइक शेप क्यों लगाई है, इसका क्या एडवांटेज है? इसका एडवांटेज सुन लीजिएगा, यहाँ पे कौन सी गैस पैदा हो रही है, इस जाली के करीब कौन सी मेटल पैदा हो रही है? सोडियम। और यहाँ पे टेम्परेचर हम 600 डिग्री सेल्सियस दे रहे होते हैं। कितना दे रहे होते हैं? 600 डिग्री सेल्सियस। अब क्या होता है, बाज दफा अगर हम ये दरमियान में डोम लाइक शेप ना लगाए तो होता यह है कि 600 डिग्री सेल्सियस पे वो सोडियम मेटल दोबारा फिर क्लोरीन के साथ मिलकर NaCl बना सकती है। हम इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कि ये चीज दोबारा ना बने, क्या 800 नहीं, वो बताता हूं किस लिहाज से। आपने वो 9th में पढ़ा है ना, 11th में, फर्स्ट ईयर में, वो बताता हूं। यहाँ पे एक चीज यूज करते हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है। हाँ, जो यहाँ पे टेम्परेचर हम प्रोवाइड करेंगे बिल्कुल सही है कि 801 डिग्री सेल्सियस सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट है। हम मेल्ट करने के लिए 801 डिग्री सेल्सियस नहीं देते क्योंकि हम इसके साथ कोई और चीज यूज कर रहे थे जो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम कर देता है। सिर्फ हम यहाँ पे जो टेम्परेचर दे रहे थे 600 डिग्री सेल्सियस, और इस टेम्परेचर पे ये सिचुएशन हो सकती है कि सोडियम क्लोरीन के साथ मिले और NaCl बना दे। सिर्फ ये डोम क्या करता है, क्लोरीन को इस साइड पे नहीं आने देगा। अब देख लें, ये जो गाज होगी लोहे की बनी हुई, इस साइड इसके चारों तरफ लगी हुई है ना, जब उसके ऊपर हमने वो रख दिया है, वो क्लोरीन गैस को बाहर की तरफ जाने ही नहीं देता। जब जाने ही नहीं देगा, वो सोडियम के साथ मिलेगी नहीं और ना दोबारा NaCl बनेगा। चले, ये तो थे सारे का सारा कॉन्सेप्ट, जितना भी था वो आपको मिल गया है। अब इसको ना थोड़ा सा लिखने का तरीकाकार सही कर लीजिएगा, काम कीजिएगा इसी तरह। हेडिंग्स बना के लिखेंगे तो एग्जामिनर भी आपको अच्छे नंबर दे देगा, एग्जामिनर भी आपको अच्छे नंबर दे देगा। अगर आप हेडिंग्स नहीं बनाते, बिल्कुल सिंपल लिख देते हैं सारे का सारा पैराग्राफ की फॉर्म में, मैं भी वो चार में से आपको 3.5 और 3 नंबर दे के कहेगा इस बच्चे ने साफ सुथरा नहीं लिखा। चले, नेक्स्ट मान आप हेडिंग दे लें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है कि ये चीज किस तरह बनी हुई है। ये चीजें जो हमने लिखी है, ये सारे के सारे नाम आपने ही लिखने हैं। डाउन सेल इज, डाउन सेल इज फॉर्म्ड बाय, ये बना होता है फॉर्म्ड बाय किन किन चीजों से। पहले नंबर पे ग्रेफाइट एनोड, पहले नंबर पे हमने ये बात बतानी है ग्रेफाइट के एनोड से बना था ग्रेफाइट। अच्छा, ग्रेफाइट की जगह कार्बन भी लिख सकते हैं, ग्रेफाइट एनोड पहली चीज हमने बता दी है। सेकंड नंबर पे आ या एन आयरन कैथोड, एक आयरन के कैथोड के साथ मिलकर बना हुआ है। थर्ड नंबर पे आयरन कैथोड की बात कर ली है, और इसके बाद हमने बात करनी है वुडन टैंक। क्या हमारे पास वुडन टैंक के साथ, बस ये तीन चार चीजें जो मेन मेन चीजें ना, वो दो ही हैं कि आपका ग्रेफाइट का एनोड है और इसके इर्द गिर्द एक जाली है जो कि एज अ कैथोड के तौर पे काम कर रही होती है। मेन पार्ट दो ही। अब इसके बाद आ जाती है वर्किंग, कि ये काम किस तरह करता है। हमने यहां से NaCl डाला, क्या
हाँ डोम लाइक शेप भी लिख दें। अ ग्लास ऑफ आर डोम लाइक ग्लास, एक डोम लाइक ग्लास है। अब ये काम क्या करता है, विच प्रोटेक्ट, जो के महफूज रख रहा है, विच प्रोटेक्ट द, या प्रिवेंट कर ले या प्रोटेक्ट कर ले, प्रिवेंट ज्यादा अच्छा लफ्ज है, प्रिवेंट जो के बचा रहा होता है, प्रिवेंट द रिएक्शन ऑफ, जो के रिएक्शन को बचाता है, किस चीज के रिएक्शन ऑफ क्लोरीन एंड सोडियम, जो क्लोरीन और सोडियम के रिएक्शन को आपसे बचा रहा था। अच्छा एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन यहाँ पे लिखिएगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, या वाई भी कह सकता है, Why we use, हम क्यों इस्तेमाल कर रहे होते हैं CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड इन डाउन सेल, डाउन सेल, ये क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक में से, कि कैल्शियम क्लोराइड को डाउन सेल में क्यों इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ एक वर्ड में आंसर देना चाहते हैं तो सिर्फ लोवरिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, छोटा सा आंसर ये है, लोवरिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। NaCl का जो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट है वो 801 डिग्री सेल्सियस है, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट NaCl का कितना है, 801 डिग्री सेल्सियस, यही बात आपने यहां पे लिखनी है, द नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज 801 डिग्री सेल्सियस बाय यूजिंग, अगर हम कैल्शियम क्लोराइड को यूज कर लें, बाय यूजिंग CaCl2 इन डाउन सेल, अगर डाउन सेल में CaCl2 को यूज किया जाए डाउन सेल, देन तो फिर होता क्या है, देन द मेल्टिंग पॉइंट, देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज डिक्रीज, NaCl का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है फ्रॉम कहां से कहां तक, फ्रॉम 801 डिग्री सेल्सियस टू 600 डिग्री सेल्सियस, इसलिए मैंने यहां पे 600 डिग्री सेल्सियस लिखा था, क्योंकि वहां पे हम कैल्शियम क्लोराइड कंपाउंड यूज कर रहे होते हैं। अब मेन फंक्शन क्या हुआ कैल्शियम क्लोराइड का, इट इज यूज फॉर लोवरिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl, बस। सो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 इज यूज, इसका हम इस्तेमाल करते हैं, इज यूज फॉर लोवरिंग ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl, ये इसका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन का सिर्फ दो वैल्यूज याद रखनी है और एक वर्ड याद रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट को लोअर करने के लिए, कम करने के लिए हम कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, सही हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाना ये वर्किंग, ये कंस्ट्रक्शन के बाद ये एक पॉइंट लिखना अलग है, ये वर्किंग के अंदर ही आएगा, सही है, इसके ऊपर ही हेडिंग देना है वर्किंग, इसके ऊपर ही आपने हेडिंग दे लेनी है कि ये वर्किंग के अंदर ही पहला पॉइंट होगा, ये हमारे पास वर्किंग का पहला पॉइंट आ जाएगा। अब होता क्या है, क्या हमने मोल्टन NaCl यूज किया है, आपने पहली बार नंबर में ये बताना है कि जैसे हम मोल्टन NaCl यूज करते हैं ये दो आयन्स में चेंज हो जाता है, पहला है सोडियम आयन और दूसरा है क्लोराइड आयन। इन मोल्टन NaCl या फ्यूज भी वर्ड यूज कर सकते हैं, मैं फ्यूज भी साथ लिख देता हूं, इन मोल्टन और फ्यूज NaCl टू आयन्स आर प्रोड्यूस, दो तरह के आयन्स पैदा होते हैं, टू आयन्स आर प्रोड्यूस, दो तरह के आयन पैदा हो रहे होते हैं, कौन से, Na+ एंड Cl नेगेटिव, ये दो आयन्स पैदा होते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं, अब आपने क्या किया, करंट दिया है, ये दो आयन्स पैदा होने के बाद सोडियम आयन आयरन कैथोड की तरफ जाएगा, क्लोरीन आयन एनोड की तरफ जाएगा, क्लोरीन आयन जो है वो हमारे पास गैस में चेंज हो जाएगा, सोडियम आयन जो मेटल में चेंज हो जाएगा, यही बातें तो बतानी है।
ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी या ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस पर द सोडियम आयन, सोडियम आयन मूव, सोडियम आयन जाता है मूव टुवर्ड टुवर्ड कैथोड, कैथोड की तरफ जाएगा एंड चेंज इनटू, एंड चेंज इनटू और यह बदल जाएगा सोडियम मेटल, ये सोडियम मेटल में बदल जाता है। अगर आप इसका रिएक्शन यहीं पे लिखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह होगा कि सोडियम मेटल जाएगा, सोडियम आयन हमारा पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये सोडियम मेटल में चेंज हो जाएगा, Na मेटल में, सही हो गया। यहीं पे आपने इसका रिएक्शन लिख देना साथ ही। आज सेकंड बात कर रही है इस आयन की, एक आयन की हम बात कर चुके हैं, सेकंड आयन क्लोराइड आयन की बात करेंगे। क्लोराइड आयन किसकी तरफ जाएगा, एनोड की या कैथोड की तरफ? एनोड की तरफ जाएगा, वहां से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और एनोड पे हमेशा एक बात याद रखनी है, ऑक्सीडेशन होती है रिडक्शन होती है, ऑक्सीडेशन होती है रिडक्शन होती है, ऑक्सीडेशन होती है, यानी लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एनोड के ऊपर। यही बात यहां पे लिख रही है, क्लोराइड आयन, जो क्लोराइड आयन होगा मूव टुवर्ड, मूव टुवर्ड एनोड, ये एनोड की तरफ जाएगा एंड ऑक्सीडेशन अकर, एंड ऑक्सीडेशन यहां पे ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन अकर एंड क्लोरीन गैस इज फॉर्म, एंड Cl2 गैस इज फॉर्म और क्लोरीन गैस बन जाती है। मतलब क्या होगा, एक क्लोरीन, दो क्लोराइड आयन चेंज हो जाएंगे क्लोरीन में और साथ में दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, सही हो गया। ये हमारे पास सेकंड रिएक्शन आ गया कि कैथोड पे, एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है। अब लास्ट में इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखना है कि ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है, कि सोडियम क्लोराइड सोडियम मेटल में और क्लोरीन गैस में चेंज होता है। द ओवरऑल रिएक्शन इज, द ओवरऑल रिएक्शन इज, ओवरऑल रिएक्शन कुछ इस तरह होगा, अगर हम सोडियम क्लोराइड NaCl क्या ले, मोल्टन, यहाँ पे MOLTEN, यहाँ पे सिंपल लिख लें लिक्विड, यहाँ पे स्मॉल करके लिक्विड लिख लें, यहाँ पे मोल्टन पूरे का पूरा वर्ड लिख लें, ये मोल्टन NaCl चेंज हो जाता है Na मेटल में और साथ में क्लोरीन गैस बनेगी, और ये रहे, ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन है। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन और आ जाता है यहाँ पे, डाउन सेल का एडवांटेज क्या है, हम इसी सेल को क्यों इस्तेमाल कर रहे होते हैं सोडियम मेटल की तैयारी के लिए, कोई और चीज क्यों नहीं यूज करते। अब एडवांटेज क्वेश्चन लिख लें, व्हाट इज द एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ डाउन सेल, डाउन सेल, ये सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बहुत दफा आ चुका है पास पेपर में, सही है। और बिल्कुल तीन पॉइंट्स है इसके, तीन पॉइंट्स के अलावा मैं एक पॉइंट बता दूंगा कि इस सेल का एडवांटेज क्या है। तीन पॉइंट्स आपके बुक पर लिखे हुए हैं, वही हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले पॉइंट है वो कहता है मेटालिक फॉग पैदा नहीं होता, मेटालिक फॉग पैदा नहीं होता, मेटालिक फॉग होता क्या है, जल्दी से बता दें। देयर आर फॉलोइंग एडवांटेज, क्या होता है मेटालिक फॉग, फॉलोइंग एडवांटेजेस ऑफ डाउन सेल, मेटालिक फॉग क्या होता है, नो मेटालिक फॉग इज प्रोड्यूस, नो मेटालिक फॉग इज प्रोड्यूस। फॉग के लिए बता दें, धुंध कहते हैं, जब पानी के वेपर्स अगर उड़ के हवा में आ जाए हम उसको क्या कहते हैं, फॉग, मेटालिक फॉग। अगर देखें मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेटल पूरी को मेल्ट कर रहा हूँ,
पिघला रहा हूं, सही है। वो कहता है कोई भी यहाँ पे मेटल्स के ऐसा नहीं होगा कि आपके सोडियम मेटल ऐसा ऐसा अवेपोरेट होनी शुरू हो जाए, इसको हम फोक करें, यानी वो हवा के अंदर आकर हवा को उलूता नहीं करता। पहला काम यह है कि मेटालिक फोक पैदा नहीं होता यहाँ पे। सेकेंड इसका काम यह है कि जो यहाँ प्रोडक्ट बन रहे हैं, देख रहे हैं क्लोरीन गैस बन रही है और जो सोडियम मेटल बन रही है, 100% प्योर होते हैं। क्या होते हैं? 100% ये तकरीबन 99% प्योर गैस होती है और इसको एक्सपोर्ट करके इससे भी पैसे कमाते हैं और इससे तो कमानी कमाने मेन प्रोसेस ही है। अब क्या है, जो प्रोडक्ट बनेंगे वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट प्योर होते हैं। प्रोडक्ट फॉर्म, जो प्रोडक्ट बन रहे होते हैं फॉर्म इज ऑलमोस्ट प्योर, ये क्या होते हैं? प्योर होते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट बात वो बता रहा है कि जो प्रोडक्ट बनते हैं, मसलन यहाँ पे क्लोरीन बन रही है और सोडियम मेटल बन रही है। देखो सोडियम मेटल यहाँ पे आयरन भी मौजूद है, सही है। कहता है ये किसी भी चीज के साथ इर्द गिर्द रिएक्ट नहीं करती, किसी भी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करती, ये इसका एडवांटेज। इसीलिए ये चीज प्योर होती है। क्यों प्योर होती है? क्योंकि वो किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं कर रही होती। सेल के अंदर कोई ऐसी चीज मौजूद ही नहीं है जिसके साथ वो रिएक्ट होके कंटेमिनेट कर दे, प्रोडक्ट्स को ना खालिस कर दे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमने यही लिखना है, तो जो प्रोडक्ट क्लोरीन गैस सोडियम मेटल बन रही है, ये सेल के अंदर किसी चीज के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। देयर इज नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा होता। देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट पैदा हो रहे होते हैं उनमें से, एंड द कंपोनेंट ऑफ सेल, कंपोनेंट ऑफ डाउन सेल, डाउन सेल, डाउन सेल के जो कंपोनेंट होते हैं उसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होता। अब इसके अलावा एक और भी एडवांटेज है, अमूमन सोडियम क्लोराइड क्या है, 801 डिग्री सेल्सियस पे जाके मेल्ट होता है। इस सेल में अगर आप इसको मेल्ट करते हैं कैल्शियम क्लोराइड को यूज कर लेते हैं, और यही NaCl जो है कहाँ पे मेल्ट हो रहा था, 600 डिग्री सेल्सियस है। इससे फायदा क्या हुआ कि फ्यूल कंजप्शन कम हो जाएगी। देखें मेल्ट करने के लिए कोई ना कोई तो फ्यूल यूज करेंगे, 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का फर्क पड़ रहा है यहाँ पे, कहाँ पे 800 डिग्री सेल्सियस, कहाँ पे 600 डिग्री सेल्सियस है। फ्यूल कंजप्शन इस सेल में कम है। ये वैसे अपनी तरफ से लिखवा रहा हूं, द NaCl इज मेल्टेड, इज मेल्टेड, ये मेल्ट हो जाता है एट 600 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस इंस्टेड, किसकी बजाय, इंस्टेड ऑफ 800 डिग्री सेल्सियस। आया कि वो 800 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो, ये 600 डिग्री सेल्सियस पे ही, 600 के ऊपर ही मेल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, फ्यूल कंजप्शन कम जाती है। ड्यू टू दिस फ्यूल कंजप्शन, फ्यूल कंजप्शन डिक्रीज, फ्यूल कम हो जाता है, फ्यूल की इखराज या लगाओ कम हो जाता है, कम फ्यूल वहाँ पे यूज होगा। ये था हमारे पास डाउन सेल। एक दो मिनट के लिए सारी की सारी चीज़ें बंद कर दें, सिर्फ एक दफ़ा सुनते जाइए कि जो जो बातें हैं जिन्होंने, खसूसन ये हाफिज उस्मान, आपने भी साइड पर आप नज़र रखनी है। डाउन सेल का सबसे पहला आपने पर्पज़ बताना है कि डाउन सेल को यूज़ किस लिए किया जाता है, सोडियम मेटल की तैयारी के लिए। क्या सिंपल वर्ड आपने सोडियम मेटल याद रखना है कि पर्पस क्या है, इस सेल को यूज क्यों कर रहे होते हैं, सोडियम मेटल की तैयारी के लिए। अब सेकंड नंबर पर डायग्राम आपके सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर डायग्राम आपको अच्छे तरीके से पता है तो आप इजीली हर एक चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। डायग्राम में सबसे हमारे पास वुडन बॉक्स होता है, और वुडन बॉक्स में बिल्कुल सेंटर पे हमारे पास ग्रेफाइट का एनोड होता है, ठीक हो गया, ग्रेफाइट का एनोड। एनोड हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है,
और इस ग्रेफाइट के एनोड के चारों तरफ हमारे पास आयरन का कैथोड होता है। कैथोड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। जब मेन बात याद रखने वाली है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब होता यह है कि जैसे ही हम इसमें से करंट पास करते हैं, करंट पास करने के बाद हमारे पास NaCl, तो पहले हमारा हमने मोल्टन फॉर्म में लिया हुआ, यानी किस फॉर्म में लेना, फ्यूज और मोल्टन NaCl यहाँ पे लेना है। जैसे हम मोल्टन स्टेट में लेंगे तो हमारे पास जो NaCl है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में चेंज हो जाएगा। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से जैसे हम यहाँ पे करंट पैदा करंट देते हैं तो ये सोडियम आयन नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही आयरन कैथोड की तरफ जाएगा, वहां पर जाके ये इलेक्ट्रॉन लेगा, लेने के बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉन लिया, लेने के बाद हमारे पास सोडियम मेटल में चेंज हो जाएगा, सोडियम मेटल में तब्दील हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्लोरीन गैस एनोड की तरफ जाएगी, जो सेंट्रल में ग्रेफाइट का लगा हुआ, तो ये इस एनोड की तरफ जाएगी, एनोड पे जाके इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और क्लोरीन गैस में चेंज होकर ऊपर की तरफ उठाएगी। ऊपर का हम इसको सिलेंडर वगैरह में भर लेते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही सोडियम मेटल पैदा होती है, ऐसे ऐसे तैर के ऊपर की तरफ आते हो, यहाँ तैर तैर के यहाँ पे इस सिलेंडर वगैरह में आ जाते हैं, यहाँ से निकाल के हम इसको स्टोर कर लेते हैं और जिस पर्पज के लिए यहाँ आपने एक्सपोर्ट करनी है इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन में सिंपल सिंपल बातें लिखनी है, ग्रेफाइट का एनोड होता है जी, और इसके अलावा आयरन का एक वायर गॉज होती है जो इसको एज अ कैथोड के तौर पर काम कर रही होती है, और पूरे का पूरा जो कंपार्टमेंट है ये वुडन बॉक्स होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाए डाउन सेल की ये वर्किंग वगैरह पे। सिंपल बात ये याद रखें, दो चीज़ें यहाँ पे लाजमी याद रखें, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आती हैं। सबसे पहली चीज़ कि डाउन सेल में CaCl2 का क्या काम है, CaCl2 का क्या काम है। इसके बाद सेकंड काम आपने जो याद रखनी है बात, वो ये है कि एडवांटेज क्या है CaCl2 का। सिर्फ सिंपल काम ये है कि मेल्टिंग पॉइंट NaCl का 800 डिग्री से 600 डिग्री सेल्सियस में ले आता है, वही काम है। अब इसके एडवांटेज क्या है कि पहले नंबर पे जो प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे बिल्कुल तकरीबन तकरीबन 100% प्योर होते हैं, एक दूसरे को कंटेमिनेट नहीं कर रहे होते। सेकंड नंबर के प्रोडक्ट होते हैं वो इस ये जो आयरन वगैरह ये ग्रेफाइट बना हुआ है इसके साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करते, ये सेकंड एडवांटेज है। थर्ड एडवांटेज क्या है कि हमारे पास जो मेटालिक फोग नहीं पैदा होती। मेटालिक फोग का क्या मतलब, यहाँ पर सोडियम मेटल बन रही है इतने हाई टेम्परेचर पर, ये नहीं होगा ये मेटल ऐसा ऐसा वेपर्स में चेंज होनी शुरू हो जाए। अगर ये वेपर में चेंज होना शुरू हो जाएगी तो हमारे पास जो इर्द गिर्द की हवा होगी वो सारी की सारी कॉन्टेमिनेट हो जाएगी, वहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। सही है। अब लास्ट वाला पॉइंट है, लास्ट वाला पॉइंट में ये इस सेल का एडवांटेज ये है कि यहाँ पर हम कैल्शियम क्लोराइड को यूज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से NaCl 800 डिग्री सेल्सियस की बजाय 600 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट हो जाता है, और इसी वजह से फ्यूल कंजम्पशन, यहाँ पे फ्यूल पिघलाने के लिए हमें कम यूज करना पड़ेगा, ये एडवांटेज है। अगर कोई क्वेश्चन है इस डाउन सेल के रिलेटेड तो पूछ लें, नहीं तो लाओ। क्या ये सॉल्यूशन साथ साथ ही है बच्चे, यहाँ से लेंगे ये वाला वुडन बॉक्स, इसके नीचे वो सिस्टम लगाया होगा, बाहर वाला वुडन बॉक्स होता है उसके अंदर वो सिस्टम वगैरह सारा फिक्स किया होता है, नीचे फर्नेंस लगी होती है। हमने यहाँ सिर्फ और सिर्फ NaCl ही इंटर करना है, यहाँ पे खुद ब खुद ही वो, क्योंकि पहले 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, नीचे से गर्म करते रहते हैं वो, जैसे जैसे ऐड करते रहते हैं ना, दो चीज़ असल में ऐड कर रहे होते हैं, आपको बुक ने बताया नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड भी हमने ऐड करना है। सही है। NaCl के साथ हम कैल्शियम क्लोराइड भी ऐड कर रहे होते हैं, वो यहाँ से ऐड करते रहते हैं सॉलिड फॉर्म में, पीस के सॉलिड फॉर्म में यहाँ से ऐड करते हैं। यहाँ पे जैसे ही आता है 600 डिग्री सेल्सियस वैसे नीचे टेम्परेचर होता है, क्योंकि पहले वाला पिघला होता है, वो जैसे ही आते हैं वो पिघल जाता है। ये नहीं है कि आप पिघला के यहाँ पे डालेंगे, पिघला के नहीं डालते, आप सॉलिड ही डालते हैं यहाँ पे, सॉलिड को पीस के पहले फिर डालना यहाँ पे। और कोई क्वेश्चन? बस।